वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल ऋषभ ब्लॉग्स चेज वंस अगेन गाइज। सो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग चैनल में नज़र आ रहा हूँगा गाइज। मैं खूटी आया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। आप लोग जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बिरसा मृग विहार काला माटी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हिरन पार्क है गाइज खूटी में। रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये। सो मैं आप लोगों को अंदर लेकर चलने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कितना मतलब आप लोगों को हिरन देखने को मिलता है, कैसा मिलता है माहौल। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहना गाइज, वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। सो चलो मैं आप लोगों को अंदर लेकर चल रहा हूँ। सो गाइज देखो मेरे साथ आज फिर से अमित आ गया मेरे ब्लॉग में। सो हम लोग साथ में ही खूटी आए थे, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। सो गाइज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक शॉप है और इधर एक रेस्टोरेंट टाइप भी है, बट आप लोगों को अंदर कुछ भी खाने का सामान लेकर जाने नहीं दिया जाएगा। अभी हम लोग टिकट नहीं लिए हैं, देखते हैं टिकट का प्राइस क्या होने वाला है। बाहर में तो एक आंटी ने बताया कि टिकट का प्राइस 5 रुपीज़ है ओनली, बट अंदर चलकर देखते हैं कि कितना प्राइस। टिकट ले लिया, आप लोग देख सकते हैं दो टिकट, एक टिकट का 5 रुपीज़ है। गाइस हम लोग पानी खरीदा था दुकान से, बट हम लोग दुकान में ही भूल गए थे पानी लेना। अभी हम लोग अंदर जाते और पानी ढूंढते रहते। आखिरकार हम लोग आज पार्क आ ही गए ना। दो बार से हम लोग सोच रहे थे कि हिरन पार्क आएंगे, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। गाइस यहाँ से स्टार्टिंग है, आप लोग देख सकते हैं अभी तक तो हमें एक भी हिरन देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी अंदर हम लोग जा। सांभर आहाता, यानी कि यहाँ पे सांभर होगा, इस साइड चीतल, लेकिन एक भी दिख नहीं रहा। अच्छा दिखा, सामने देख कितना बड़ा सा है। कितना बड़ा है, थोड़े पास से दिखाओ। कितना बड़ा है देखो ना। काफी बड़ा है, काफी बड़ा है ना। गाइस वहां पर भी एक हिरन है जो काफी बड़ा है गाइस, सांभर इसको बोलते हैं शायद। गाय का एक बछड़ा होता है ना, जस्ट इतने बड़ा है। चलो मैं आप लोगों को पास से दिखा रहा हूँ, इधर से रास्ता है। शायद गाइस इसका भी सिंग था, लेकिन अभी इसका सिंग कट गया है, ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। देखो सेट्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस जगह को एंजॉय कर सकते हो। आप लोग आ सकते हो यहाँ पर आराम से बैठो और हिरन को देखते हुए इस जगह को एंजॉय करो। गाइस यहाँ पर घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सेट्स भी बने हुए हैं बैठने के लिए, पीने का पानी भी आप लोग को मिल जाएगा, बट हमने लेकर आया है क्योंकि गर्मी काफ़ी है। सो गाइज आप लोग खाने के लिए ला सकते हो गाइज, लेकिन ऐसा मत करना कि आप लोग यहाँ पे जाकर एनिमल को अपना खाना दो, क्योंकि वो लोग को खाना देने से ना वो लोग बीमार हो जाते हैं। हर गाइज आप लोग देख सकते हैं, उस वाले को तो मैंने दिखाया था वो पानी पी रही है। इधर अभी आप लोगों को दो देखने के लिए मिलेगा, देखो मैं जूम कर आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ है दो और एक इधर है जो कि काफ़ी बड़ा है, वहाँ से एक और भी दिख रहे हैं गाइस। चलो मैं और पास से जाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस साइड से। कैसा लग रहा गुड्डू यहाँ? मतलब हिरन पार्क बोलने से हिरन पार्क ही आए हैं तो हिरन ही दिखेगा। हिरन ही दिखेगा। हाँ, कुछ और जानवर तो दिखेंगे नहीं, तो इनको ही देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बैठने के लिए आप ऊपर में जाकर आराम से बैठ सकते हो।
देखो यहाँ पे बहुत सारे सेट्स बने हुए हैं, क्या बैठने के लिए। इधर भी बहुत सारे हिरन हैं, आपको मैं जूम कर कर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को क्लियरली दिखेंगे, वैसे देख सकते हो आप लोग, इधर भी बहुत सारे हिरन हैं। यह है गाइस जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ से दिख रहेगा, यहाँ देखो हिरन के बच्चे भी हैं, हिरन के बच्चे भी हैं। हिरन देखने हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो स्पेशली, क्या बहुत सारे डियर्स आप लोग को मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, और अलग अलग तरह के हैं, दो तीन तरह के, तो अभी हम लोग देख लिए। स्पॉटेड डियर भी देख लिए हम लोग हिरन पार्क में, बादाम खा रहे हैं हम लोग, चुपके से बादाम खरीद कर लेकर आए थे, बट चुपके से लाने का ये मतलब नहीं कि हम लोग जानवर को खिलाने के लिए लेकर आए हैं, हाँ खुद के खाने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो लोग बीमार हो जाते हैं। इतना ज़्यादा खूबसूरत है गाइस यहाँ पे रास्ता, आप लोग देख सकते हैं। इसको बाद इधर से चलो, इधर तो अभी जानवर नहीं नजर आ रहा, नहीं इधर नजर नहीं आ रहा, हाँ इधर जानवर नहीं नजर आ रहा, शायद आगे में देखने के लिए मिलेगा गाइस, तो वीडियो में बने रहना गाइस, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है कि और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊं। हम लोग तो लगभग बहुत ही जगह घूमते जा रहे हैं ना, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और भी बहुत सारा प्लानिंग है ना घूमने का हम लोग, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। गर्मी के दिन में तो कहीं जाने का मन नहीं करता हम लोग, गाइज आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं, एक आंटी साफ सफाई कर रही है, सारा पत्ता जमा कर रही है और बोरे में भर रही है। यहाँ पे देखो एक बड़ा सा हिरन है, कितना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, वहाँ देखो सामने, अच्छा बैठा हुआ है ना, हाँ कितना बड़ा सा, गाय जितना बड़ा। इस साइड हरा भरा जंगल काफ़ी दूर से उधर से चलते चलते आया, तो अभी मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो छोटे छोटे बहुत सारे, उस साइड तो बड़े बड़े वाले थे, यहाँ पर ही स्पॉटेड वाले छोटे छोटे हिरन आप लोग देख सकते हैं।
पे घास भी नहीं है ना, घास भी नहीं है, खाता होगा बता तो। खाना ला के देना तो अलग की बात होती है, नेचर हो। वो नेचुरल होता है, वो घास वगैरह हो। हाँ, वो खुद से उगा हुआ होता है, जैसे जंगली जानवर लोग को कोई ला कर थोड़ी देता है, वो लोग तो जंगल में खुद से खाते हैं, इसलिए उन लोगों का हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस। लेकिन जो भी था बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा गाइस, क्योंकि छोटा सा पार्क है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा भी पार्क नहीं है, लेकिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, शांत जगह है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइस। सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखना गाइस, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस बनाता रहता हूँ और भी बनाऊँगा। सो मेरे चैनल में अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। फिर मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।